Good morning, friends. Welcome to our e-learning session on soft skills. सभी का स्वागत है. आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं. आज पांचवें एपिसोड सॉफ्ट स्किल में आपका फिर से स्वागत है. तो इससे पहले हमने कोशिश की थी समझने की कि एक कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट की जाए, और कन्वर्सेशन अगर स्टार्ट हो गई हो तो उसमें ग्रीटिंग्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने में. ठीक है, सो वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर एनीवन टू स्टार्ट एनी कन्वर्सेशन विथ अ सिंपल ग्रीटिंग. इट कैन बी मीटिंग योर बॉस बिफोर स्टार्टिंग योर डे, और इट कैन बी अ सिंपल कन्वर्सेशन ऑन अ लंच टेबल. ये एक दो लोगों के बीच का भी कन्वर्सेशन होता है, जैसे आप अपने सीनियर से दिन की शुरुआत में मिल रहे, या कुछ लोगों के साथ अपने टीममेट्स के साथ एक लंच पे बात कर रहे हैं. एंड बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट. और फिर से उसमें वही बात ध्यान रखनी है कि वन हैज अ फॉर्मल नेचर. ठीक है, जब आप अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं then try to have a formal conversation. Review the kind of words you are going to use, review the kind of tone you are going to use, and review the way you are going to deliver that kind of thing. ये बोलने से पहले जरूर सोचे कि हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे. उन शब्दों को बोलते वक्त या उन वाक्यों को, सेंटेंस को बोलते समय किस तरह से टोन का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में ये इम्पोर्टेंस रखता है कि किस तरह से उस चीज को हम डिलीवर करते हैं. ठीक है, सामने रखते हैं. ठीक है, तो नाउ आई होप दैट वी मस्ट हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीटिंग. We must have tried to understand the importance of initiating conversations, be it with known associates, known friends, known relatives, or strangers. अज्ञात लोगों से बात करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं जहां तक समझता हूं आप इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि अज्ञात लोगों से, स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, और नोन लोगों से जिन्हें आप जानते हैं, जैसे आपके दोस्त, आपके साथ में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, या आपके सीनियर्स, उनके साथ क्या ध्यान रखना है, कैसे इनिशिएट करना है. आज का जो टॉपिक है, We'll try to understand the application of conversation. ठीक है, हम किस तरह से जो चीज हम सीख रहे हैं उसको अलग अलग स्थिति में प्रयोग में लाएं. और ये स्थिति कैसी है, ये ज्यादातर फॉर्मल और इनफॉर्मल है. ठीक है, कुछ कन्वर्सेशन ऐसे होंगे जो कि आपको ऑफिस में जरूरत पड़ेगी. And there can be examples of certain instances where you might use your skill of conversation in an informal scenario. ठीक है, तो conversation के topic में समय और अलग अलग स्थितियों को समझने से पहले conversation word पे ध्यान देंगे. We'll try to focus on the word conversation itself. Conversation जब होता है, then it's not one-sided, it's not one-way. It has to be mutual. जब conversation की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक तरफ से नहीं हो सकता है, एक साइड से नहीं हो सकता है. ये दो लोगों के बीच में होगा, या एक ग्रुप के बीच में आदान और प्रदान होगा. आदान प्रदान मतलब
आदान हो सकता है इफ यू स्पीक समथिंग और यू डॉक्यूमेंट और राइट समथिंग एंड प्रोवाइडेड टू एवरीवन, ठीक है, या हिंदी में तो आप कुछ लिख के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ बोल के, ठीक है। जब लेने की बारी आए तो वो और भी इम्पोर्टेंट है, आप दूसरा क्या बोल रहा है इसको किस तरह से समझ रहे हैं। सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या हुआ, जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होंगे जहां पे शायद बात नहीं हो या बात हो तो इस तरीके से हो कि उसमें क्लियर कट ना समझ में आए कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमको अपना ऑब्जर्वेशन स्किल्स इम्प्रूव करना होगा ताकि हम समझ सकें कि उसके वाक्य का, उसके सेंटेंस का, उसने जो बोला उसका मतलब क्या है, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज यूज में आएगा जो हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे, क्या इंटरजेक्शंस, इमोशंस, ठीक है, हाउ डू वी एक्सप्रेस इमोशंस ईदर बाय स्पीकिंग और रिमेनिंग क्वाइट। हम कुछ बोल के भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं और कुछ बिना बोले। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को हम अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अब कन्वर्सेशन क्या है, तो कन्वर्सेशन एक मीडियम है जो कि आपको मदद करता है सोशलाइज करने में, ठीक है, सामाजिक होने में अपना, फिर वो चाहे फ्रेंड सर्कल बनाने के लिए हो या ऑफिस में काम करने के लिए हो, ऑफिस में एक बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट रखने के लिए हो, कोऑपरेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए अहम क्या है, आप किस तरह से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जितना ये स्किल आप डेवलप करेंगे उतना ये आपके लंबे करियर में बेहतर होगा। सो इट्स नॉट प्रोसेस which you can learn with this session itself. You will have to practice, you will have to apply things, you will have to learn from your experiences. ठीक है, आपको जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जो अनुभूति हो रही है उससे समझना होगा और खुद को और खुद के कन्वर्सेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। तो उसमें कुछ ध्यान रखने लायक क्या बातें हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको हम बोल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पहला और दूसरा पॉइंट को मैं मिला के बोलता हूं जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि व्हाट यू वांट टू से, क्लियरली अंडरस्टैंडिंग द पर्पस एंड इंटेंट ऑफ योर मैसेज, ठीक। ये दो चीज तभी हो सकती है जब आप बोलने से पहले सोच कर बोलेंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू थिंक बिफोर यू स्पीक। ज्यादातर होता क्या है कि जैसे हम काफी इंस्पायर्ड हो जाते हैं ऐसे लोगों से या ऐसे हस्तियों से जो कि काफी कठिन शब्दावली का प्रयोग करते हैं। शब्दावली मतलब ऐसे शब्द जो कि आम तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती, ठीक है, या ऐसे शब्द जो कि बहुत ज्यादा जिसने लिटरेचर पढ़ा हो उसको ही समझ में आए, ठीक है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू यूज अ गुड वोकैबुलरी और बी एंटायरली करेक्ट फ्रॉम अ ग्रामेटिकल सेंस, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी शब्दावली का प्रयोग करें या पूरी तरह से ग्रामेटिकली जो आप बोल रहे हैं वो करेक्ट हो,
लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आप बोल क्या रहे हैं। अगर आप ज्यादा बोलते हैं इसका मतलब आप सोचते कम है बोलने से पहले। आप ज्यादा तभी बोलते हैं जब आपको मालूम नहीं है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, और आप कठिन शब्दावली का प्रयोग भी तभी करते हैं जब आपके थॉट्स, आपके सोच क्लियर नहीं है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू थिंक स्पीक, थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक, रिव्यू इट, उसकी समीक्षा जरूर करें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है, क्या हम और आसान शब्दों में यही बात रख सकते हैं, क्या हम और कम शब्दों में इसी बात को समझा सकते हैं। अगर ये हो सकता है तो फिर से अपने सोच को बदलिए, रीवर्क ऑन व्हाट यू आर अबाउट टू से एंड देन स्पीक। ठीक है, अब जब आप ये समझ गए हैं कि मेरे को मैसेज में बोलना क्या है, किस तरह से उसको कम्युनिकेट करना है, तो ये इंश्योर कीजिए दैट यू आर हैविंग एन आई कॉन्टेक्ट विद द रेसिपिएंट, जो सुन रहा है आपकी बात उसको और भी बेहतर समझ में आएगा आपका बात अगर आप उसके साथ आंख मिला के रखें। ठीक है, साथ ही साथ फेशियल एक्सप्रेशन और इम्पोर्टेंस रखता है। आप अगर आंख मिला रहे हैं और आपके चेहरे पे बहुत ही एक डल लुक है, आप हो सकता है लेट से सो कर उठे हों, तो हो सकता है आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो जो कि बहुत ही अच्छी बात है, गुड न्यूज है, पर आपका फेस और जिस तरह से आपका आई कॉन्टैक्ट होगा अगर आप ढंग से अपनी नींद को पूरी नहीं करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है लिसनर पे, रेसिपिएंट पे, जो सुन रहा है उस पे बिल्कुल अलग होगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी हेल्दी एज वेल इफ यू वॉन्ट टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी तबीयत खराब है, गले में खराश है, क्या आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं? मे बी इन रिटन फॉर्म बट नॉट इन ओरल फॉर्म। आप लिखित तरीके से तो कर सकते हैं पर मौखिक तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद कन्वर्सेशन में हमने क्लास में भी एक बार देखा था कि सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन और रेसिपिएंट सिर्फ नहीं होता है कम्युनिकेशन में। इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू हैव अ फीडबैक चैनल। फीडबैक चैनल का इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने जो बोला क्या वही सुनने वाले ने समझा, और अगर नहीं समझा तो ये फीडबैक उसके बोलने से या तो आप क्लियर करें, और नहीं बोल रहा है तो रीड बिटवीन द लाइंस, जिसमें टाइम लगेगा। अब टाइम लग रहा है तो आप एक और चीज कर सकते हैं, आप खुद अपना कन्वर्सेशन खत्म करने के बाद ये चीज पूछ सकते हैं अपने, अगर सीनियर से बोल रहे हैं कि सर आपको बात क्लियर तो है, या जूनियर्स के साथ आप बोल सकते हैं कि समझ में आई तो बा। ठीक है, सो रीडिंग बिटवीन द लाइंस इज समथिंग दैट यू विल लर्न विथ योर ओन एक्सपीरियंस, बट बाय दैट टाइम इन केस यू आर हैविंग डाउट्स ऑन वेदर माय रिसिपिएंट हैज रिसीव्ड द मैसेज appropriately or not, then try to ensure that you end your sentence or you end your message with a question that could you understand what I intended to say, क्या आप मेरी बात को समझ पाए। ठीक है, vocabulary जितना आप लिखेंगे और जितना पढ़ेंगे, जितना उस चीज को प्रयोग करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उतनी जल्दी चीजें आपके सामने रहेंगी, याद में आएंगी। ठीक है,
पढ़ के और लिख के आप वर्ड को समझ सकते हैं, लेकिन बोलने समय वो वर्ड आपके मुंह में उस मोमेंट में नहीं आएगा जिस मोमेंट में आपको उसकी जरूरत होगी। तो इसलिए नए वर्ड्स को सीखिए। आपके मोबाइल में बताया भी गया है, अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशंस जिसमें आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, समझिए, और अपने दोस्तों से बात करके, अपने सीनियर्स, टीम मेंटर्स, ठीक है, मेंटर सेंटर मैनेजर्स के साथ अप्लाई कर करके सीखिए। बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम यू आर गोइंग टू हैव व्हेन यू कैन मेक मिस्टेक्स। वंस यू ज्वाइन योर जॉब, मिस्टेक्स वोंट बी टॉलरेटेड। आप अगर गलती करेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब? जब आप जॉब में चले जाएंगे। लेकिन जब तक आप सीखने के फेज में हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी इस दौर से गुजरे हैं, वो ये बात समझते हैं कि कठिनाई आती है, धीरे धीरे लोग सीखते हैं, तो उनके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, उस चीज को अप्लाई कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको जॉब में रहते हुए याद रखने की है, देयर कैन बी टाइम्स व्हेन यू वुड बी अंडर इमेंस प्रेशर। ठीक है, आपके ऊपर काम का भार काफी ज्यादा होगा। ऐसे में ये भी हो सकता है कि ओपिनियन पॉइंट्स, आप जो पॉइंट रख रहे हो उसके ओपिनियन में एक पॉइंट आ जाए, ठीक है, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। लेकिन हर जगह नहीं, जहां वो बात आपको लॉजिकल लगती है वहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सीनियर बोला कि मेरे को डेटा एक चाहिए, एक डेटा चाहिए, अलग अलग सोर्स से आप गूगल पे सर्च करें और मेरे को एक डेटा दें कुछ लोगों का इस गांव से, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, हो सकता है कुछ डेटा मिल जाए, ठीक है, किसी कंपनी ने कुछ लिस्ट बनाया होगा अपने प्रोजेक्ट के लिए, उससे मिल जाए। चांसेस कम है पर फिर भी एक चांस है जहां पे मिल जाए, ठीक है। आपने ये काम किया, इसके बाद आपका सीनियर बोलता है कि ये क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है, हम तुम्हारे काम से बिल्कुल खुश नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे को पर डे उस गांव से 200 लोगों का ईमेल आईडी दीजिए, ठीक है। जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग दैट यू हैव टू अप्रिशिएट अपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू, आप उस बात को मान जाएंगे। बट एट दैट मोमेंट यू ऑल्सो नीड टू बी स्टेबल, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ईमेल आईडीज आर समथिंग दैट्स वेरी प्राइवेट एंड कैनॉट बी एक्सेस्ड ऑन अ पब्लिक डोमेन, ठीक है। आप गूगल सर्च पे ईमेल आईडीज का लिस्ट सर्च नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे आप उसके को समझा सकते हैं, और ये भी एक कन्वर्सेशन स्किल है कि सर आई बेग टू डिफर, बट वॉट यू आर आस्किंग मी टू डू इज वेरी इम्पॉसिबल, ठीक है, आप से मैं थोड़ा अलग यहां सोचता हूं, मुझे माफ कीजिए, पर ये करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि ईमेल आईडीज जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं मिल सकती हैं। तो आप या तो मेरे को फील्ड पे जाने के लिए अलाउ कीजिए, उस गांव में जाने के लिए अलाउ कीजिए, एल्स जो भी कुछ मेरे को मिल रहा है दैट्स द बेस्ट आई कैन डू, ठीक है। अब यही चीज अगर आप स्टेबल तरीके में नहीं रहेंगे, आप अपने इमोशनल स्टेट में आ जाएंगे कि मैंने तो इतना काम किया फिर भी मेरे को लोग अलग बोल रहे हैं, तो उस समय क्या होगा कि आप ये लॉजिकल ओपिनियन नहीं रख पाइएगा, ठीक है।
सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी इमोशनली स्टेबल, एस्पेशली ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस वेयर यू आर फेसिंग अपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू, जहां आपको विचार जो है वो औरों से अलग हैं, ऐसे जगह में बाकियों को समझाने के लिए आपको स्टेबल रखना इम्पॉर्टेंट है। कब? जब ऑपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू लॉजिकल हैं। अगर आपका बॉस बोलता कि मेरे को वहां के फेसबुक अकाउंट्स चाहिए, दैट इज लॉजिकल, यू कैन डू इट। बट इफ योर बॉस आस्क्स यू टू कलेक्ट ईमेल आईडीज ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन द विलेज, दैट्स इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो वहां पे आप कॉन्ट्राडिक्ट जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल कब? जब एक ऑफिस में हो जहां आपका काम से रिलेटेड बात हो रही हो। इनफॉर्मल कब? शायद आप अपने टीममेट्स के साथ लंच पे गए हैं, जहां पे आप ऑफिस या काम की बातें नहीं कर रहे हैं, या अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब ग्रुप डिस्कशंस में ये ध्यान रखना है कि ये डिस्कशन है, डिबेट नहीं है। सो योर विनिंग और लूजिंग अ डिबेट डिपेंड्स ऑन यू गोइंग फोर्थ फॉर अ ओपिनियन और अगेंस्ट एन ओपिनियन। आप किसी ओपिनियन के सहमति या असहमति में जितने अच्छे तरीके से जाएंगे, वो तय करेगा डिबेट में कि आप उस चीज में जीत रहे हैं या हार रहे हैं। पर ग्रुप डिस्कशंस डिबेट नहीं है। ठीक है, आप हो सकता है फॉर्म में भी हो, दूसरों की बातें सुन के समझ के उसको अप्रिशिएट करके लॉजिकली अपने ओपिनियन चेंज करें, आप फिर बोलें कि मैं असहमत हूं। या ऐसा भी आपका ओपिनियन हो सकता है जहां ना तो पूरी तरह से सहमति हो ना पूरी तरह से असहमति हो। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि जनरली ग्रुप डिस्कशंस में आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि काफी प्रोएक्टिव होंगे। ठीक है, मतलब दे आर ट्राइंग टू स्पीक अ लॉट जस्ट टू सीक अटेंशन फ्रॉम देयर सीनियर्स और फ्रॉम देयर कलीग्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि लगातार बहुत ज्यादा बोलते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको अटेंशन मिल जाए अपने सीनियर से या अपने कलीग से। तो आपका ज्यादा बोलना मैटर नहीं करता है, आप कितना लॉजिकल बात रखते हैं और कितने कम शब्दों में बात रखते हैं, कितने सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, कितना सही टोन का यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंस रखता है। हो सकता है पूरे ग्रुप डिस्कशन में आप स्टार्ट नहीं कीजिए, एंड मत कीजिए, आप बीच में बोलिए, लेकिन आपका पॉइंट इतना सॉलिड है दैट यू गेट नोटिस्ड बाय एवरीवन प्रेजेंट इन द ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, और इसके लिए जरूरी क्या है? वही बात जो शुरुआत में मैं कही कि आप क्या बात रखने जा रहे हैं, इसके बारे में बात करने से पहले सोच लीजिए। ओनली देन यू कैन बी लॉजिकल, ओनली देन यू कैन ब्रिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स विच नो वन एल्स कैन ब्रिंग। आप तभी कारगर साबित होंगे जब आप सोचेंगे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, और जब ये सोचेंगे कि क्या बोलने जा रहा हूं और इस पे भी सुन सुन के समझेंगे, सोचेंगे कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, तभी आप अपनी राय औरों से अलग रख सकते हैं। और जब आप अपनी राय औरों से अलग रखेंगे तभी आप बाकियों की नजर में आएंगे, दैट दिस गाई मेक्स सेंस, कि ये लड़का या लड़की मतलब की बात कर रही है या कर रहा है। ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज द एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम थिंकिंग।
मोस्ट ऑफ द पीपल वुड से दैट्स इट्स अबाउट रीडिंग, इट्स अबाउट राइटिंग एंड इट्स अबाउट कन्वेइंग और टॉकिंग, बट बिफोर ऑल दीज थ्री व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज थिंकिंग. आप जब सही सोच रखेंगे तभी एंटीलॉजिकल बात कर सकते हैं, तभी आप इरेशनल बातों को समझ सकते हैं जो कि आप कर नहीं सकते हैं, तभी आप अपने ऑपोजिट ओपिनियन को सप्रेस कर सकते हैं या उसको समझा सकते हैं कि आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं उसमें ये खामियां हैं या ये करने से ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन, ठीक है. अब क्वेश्चंस कई बार आपके मन में आएंगे ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस. योर माइंड माइट गेट फिल्ड विथ क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क. ठीक है, इसमें ये ध्यान रखिए कि सुनते रहिए. हो सकता है कि आपके मन में जो सवाल है वही किसी और इंसान के भी मन में सवाल हो, और अगर उसने वो सवाल पूछा है तो आप उस सवाल को स्किप कर जाइए, आप वो सवाल मत पूछिए. अगर आप फिर से वही सवाल पूछते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मीटिंग में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ग्रुप डिस्कशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. इंस्टेड आप ये कर सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन किसी और ने जनरेट किया और आपको वो क्लियर नहीं है तो उसका फॉलो अप क्वेश्चंस कीजिए. फॉलो अप क्वेश्चंस को थोड़ा समझते हैं. जैसे ग्रुप डिस्कशन में बात हुआ कि किस तरह से हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएं. किसी ने सवाल किया कि सर सेल्स तो बढ़ रहा नहीं है, इसको कैसे बढ़ाएं. ठीक है, सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, कितना बिक्री हो रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है. बॉस ने बोला कि वो आपको खोजना होगा, नहीं हो रहा है तो बढ़ाना होगा. सो योर बॉस रिप्लाइड बैक दैट इफ यू आर नॉट हैविंग सफिशियंट सेल्स देन यू नीड टू इंक्रीज द स्केल ऑफ सेल्स. ठीक है, एंड आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट बट आई वॉन्ट इट. मेरे को नहीं मालूम तुम कैसे करोगे पर मेरे को चाहिए कि सेल्स बढ़ जाए. ठीक है, यहां पे दो बातें ध्यान में रखनी है. बॉस आपसे चाह रहा है ये यू कम अप विथ आइडियाज, ही इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू आइडियाज. ठीक है, उसके कम्युनिकेशन में ये चीज बहुत क्लियर है कि वो आइडिया आपको नहीं देना चाहता है. अब आइडिया नहीं देना चाहता इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि आप ही को आइडिया आता है, सामने वाले को नहीं आता है. ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीनियर्स डोंट स्पून फीड यू, वो आपको चम्मच से खाना नहीं खिलाते हैं, इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं कि आपका सेल्स किस तरीके से बढ़ेगा. इंस्टेड ही इज पुशिंग यू फॉरवर्ड टू थिंक, जो कि एक पॉजिटिव चीज है, सीखने की चीज है. ठीक है, और यहां पे ऑब्जर्वेशन की बात है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस की बात है कि अगर उसको बताना होता कि किस तरह से सेल्स बढ़ेगा तो वो आपको सीधे बोल देता कि ये करो, कर लेंगे. इस वक्त ये सुनने के बाद आपका जो फॉलो अप क्वेश्चन रहेगा वो सेल्स से रिलेटेड है, और आप ये सीनियर से पूछ सकते हैं कि सर मैं ऐसा सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग अबाउट सच एंड सच प्लान, कैन वी ट्राई इट एज अ टीम, क्या हम अपने टीम के साथ मिलके एक ऐसा ऐसा प्लान है इसको करके देख सकते हैं, शायद सेल्स बढ़ जाए. ये फॉलो अप क्वेश्चन है. यू डिड नॉट रिपीट क्वेश्चन विच वॉज ऑलरेडी आस्ट, आपने वो क्वेश्चन नहीं पूछा जो कि पहले से पूछ लिया गया था, और आपने वो सवाल भी नहीं किया जिसका जवाब आपका बॉस देना नहीं चाहता है. जैसे आप ये सवाल कर सकते थे तो सर बताइए ना कि कैसे बढ़ेगा सेल,
पर ये गलत सवाल है, क्योंकि उससे पहले ही उसके कन्वर्सेशन में आपको ये रीड बिटवीन द लाइंस करना होगा कि उसका कहना है कि मेरे को किसी भी हाल में सेल्स चाहिए, ईदर बाय हुक और क्रूक, आई वॉन्ट इंक्रीज इन माय सेल्स एंड आई डोंट केयर व्हाट यू डू, कम अप विथ योर ओन आइडियाज एंड इम्प्लीमेंट इट। आप अपने आइडिया के साथ आइए, उसको आजमाइए। इसका मतलब अगर उसको आइडिया बताना होता तो बता देता डायरेक्टली, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिए कि फॉलो अप क्वेश्चंस किस तरीके से करना है और फॉलो अप क्वेश्चंस क्या है। टॉपिक वही है लेकिन सवाल अलग है और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए है। फॉलो अप क्वेश्चंस ये भी होगा कि सर बताइए ना कैसे कर सकते हैं, पर वो ऐसा सवाल है जहां पे आप रीड बिटवीन द लाइंस नहीं कर रहे हैं। आपका जो बॉस जिस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता ताकि आप सीख सकें, आप वही सवाल कर रहे हैं, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी कुछ हो सकते हैं, जैसे आप के नीचे एक टीम है, उसके साथ आप एक डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, और ये डिस्कशन आपके लंच के टेबल पे हो रही है। डिस्कशन का टॉपिक क्या है कि मैच चल रहा है, आप ऑफिस में बैठे हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच चल रहा है, यू कैनॉट वॉच इट बट अपेरेंटली एवरीवन नाउडेज हैज एक्सेस टू मोबाइल टेक्नोलॉजी, सो यू कैन जस्ट लुक एट द स्कोर्स, नो व्हाट इज हैपनिंग एट एवरी इंस्टेंट, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि क्रिकेट मैच में कब क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, और उसके ऊपर हो सकता है आप खाने में चर्चा करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पे। तो आपका बॉस या आप खुद अपने जूनियर्स के साथ ये डिस्कस करते हैं कि ये बताओ आज इंडिया मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा। नाउ दिस इज अ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। क्लोज्ड एंडेड क्यों है? बिकॉज द ओनली ऑप्शन दैट माई रिसिपियंट्स हैव, that my listeners have, is that whether India is going to win or lose. यही दो ऑप्शन है, या तो जीतेगा या हारेगा। तो आपको जवाब क्या मिलेगा? या तो जीतेगा या तो हारेगा। आप यही बात अगर ऐसे रखें, क्या लगता है आज क्या होगा मैच में, what is going to happen in today's match, whether India is going to win, lose, or is there any other possibility? जब आप other option की possibility देते हैं, तब शायद आपके पास एक और reply आ जाए। कोई बोलेगा आपसे that sir, the weather is bad, there are high chances of applying Duckworth Lewis. आज बारिश की संभावना है, डकवर्थ लुइस भी हो सकता है। तो क्या हुआ, जो आंसर्स यस नो में रुके हुए थे, वो उनको एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल गया, और उस ऑप्शन में कोई क्या बोलेगा कि आज मैच में डकवर्थ लुइस भी लग सकता है, इसलिए क्लियर अभी कहना मुश्किल है कि जीतेगा या हारेगा, ठीक है। चलिए, और हैव अ डिस्कशन, ये पूरी चीजें जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन की उसी का शॉर्ट तरीका है कि ये एक डिस्कशन की तरह होना चाहिए। चलिए, अब कुछ बातें जो कि ध्यान रखनी चाहिए। ज्ञान होना तो अच्छी बात है, पर अधूरा ज्ञान होना बहुत ही खतरनाक बात है, ठीक है। It's good to have knowledge about things, but not knowing the entire thing is something that's quite dangerous, and that's something you should avoid. आपको इससे परहेज करना चाहिए कि आपको जिस चीज के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है उसके बारे में पूरे कॉन्फिडेंस से बोल देना, ठीक है।
दूसरा आप सीखिए, क्या सीखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया गया रीड बिटवीन द लाइंस, ये भी सीखिए कि सवाल कैसे रखना है, किस तरीके से रखना है। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। थर्ड पॉइंट बार बार मैं बोल रहा हूं, लिसन फर्स्ट रेस्पॉन्ड सेकेंड, ठीक है। इसको ये समझिए, लिसन फर्स्ट थिंक सेकेंड रेस्पॉन्ड थर्ड, ठीक है। सबसे जरूरी है सोचना किसी भी इंस्टेंस पे। सुन लेना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है, तब बोलना जरूरी है। और बोलते वक्त एक गुड पोस्चर मेंटेन करना जरूरी है। यू माइट बी टायर्ड बट यू कांट स्लाउच ऑन योर चेयर। आप बहुत थके हुए हैं फिर भी मीटिंग हो रही है, और उसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप चेयर पे सीधे बैठने की जगह नीचे की तरफ खिसकते जा रहे हैं, सरकते जा रहे हैं, ठीक है। आपका पीठ चेयर के जो बैकरेस्ट है उससे टिका हुआ नहीं है, वो बीच में हवा में आ चुका है, ठीक है। आपका सर एलिवेटेड जो था वो नीचे झुकते झुकते आपके चेयर के बैकरेस्ट के टॉप पे आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि कुछ देर और बस अगर कुछ बोला ना जाए उस रूम में तो आपको नींद अच्छी आ सकती है, ठीक है। सो दैट्स द काइंड ऑफ मैसेज यू आर पोर्ट्रेइंग थ्रू योर पोस्चर दैट यू आर अबाउट टू स्लीप, ठीक है। एंड दैट्स समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली अवॉइड। आपको किसी भी हाल में अवॉइड करनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये चीजें बार बार बताई जा रही हैं तो इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको हर जगह काम आएंगे। द थिंग्स दैट वी लर्न इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड इट्स नोन एज कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। जैसे बंच, अगर गुलदस्ता में बहुत सारे फूल रखे हैं देन इट कैन बी रेफर्ड एज बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। ठीक है, तो उसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, खुद से सर्च कीजिए। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू गो थ्रू ईच एंड एवरी कलेक्टिव नाउन एंड एक्सप्लेन ईच ऑफ देम एंड एक्सप्लेन एप्लीकेशन फॉर ईच वन ऑफ देम। तो यहाँ मेरा रीड बिटवीन द लाइंस क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सीखिए, खुद से कीजिए, हर चीज चम्मच से खाने की आदत छोड़ दीजिए। चलिए अब शॉपिंग, आप जैसा कि बिगिनिंग में बताया गया कि कन्वर्सेशन आपके ऐसे भी इंस्टांसेस हो सकते हैं इनफॉर्मल स्पेशली, जहां पे सामने वाला रेसिपिएंट जो है वो आपका दोस्त भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल यू गो फॉर शॉपिंग, यू आर परचेजिंग समथिंग, ठीक है, एनीथिंग, इट कैन बी ग्रोसरी, इट कैन बी क्लोथ्स, इट कैन बी थिंग्स ऑफ डेली यूज, ठीक है। एंड यू आर एट द बिलिंग काउंटर, आप बिलिंग काउंटर के सामने हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, ये सामान कुछ भी हो सकता है। तो दो बातों का ध्यान रखें, पहला बिल क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट से तो आप सभी लोग वाकिफ हैं, उसमें कुछ अलग से बताने वाली बात नहीं है। बिल को समझना जरूरी है क्योंकि ये जो बिल है ना, ये आपको शॉपिंग में भी काम आएगा और ऑफिस में भी काम आएगा। आप कहीं बाहर ऑफिस के काम से गए हैं तो आपको उस ट्रेवल में जो भी खर्च आया है उसका बिल देना होता है, ठीक है, उसका बिल देना होता है। तो सबसे पहला बात समझिए कि बिल क्या है। तो बिल एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा होता है कि आपने क्या क्या चीज खरीदा है और कितना पैसा
आपको देना है, कितना पैसा आपको देना है, ध्यान रखिएगा। बिल एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें लिखा होता है कि कितना चीजें ली गई हैं और आपको कितना पैसा देना है, ठीक है। सो इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट दैट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ गुड्स दैट यू हैव परचेज एंड देयर रेस्पेक्टिव अमाउंट विच अमाउंट्स टू द टोटल अमाउंट, ठीक है, दैट यू ओ टू दैट शॉप, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, बिल से थोड़ा सा अलग होता है इनवॉयस, जो कि यहां लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिए। इनवॉयस क्या होता है? जिस समय आप ये बिल देख के पैसा दे देते हैं और आपके बिल के ऊपर पेड का मोहर लग जाता है, तो आपका बिल क्या बन जाता है? इट्स एन इनवॉयस, ठीक है। इनवॉयस क्या बताता है? कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है, आदान प्रदान कंप्लीट हो गया है, आपने सामान ले लिया है एंड द शॉपकीपर हैज रिसीव्ड हिज मनी। इससे पहले तक द सेम स्टेटमेंट वॉज मेयरली अ बिल। पैसा देने से पहले तक सिर्फ आपके पास लिस्ट आया था, सामान आया था, और बहुत सारे केसेस में सामान ना भी आया हो। जैसे ट्रेडिशनल किराना स्टोर्स में वो सामान एक जगह रखता है, आप पैसा दे देते हैं तब आपके पास आता है। इट्स नॉट लाइक मॉल वेयर यू कलेक्ट योर ओन थिंग्स एंड देन यू पे द बिल, ठीक है। तो इनवॉइस क्या हो जाएगा? कि जब आप पैसा दे दिए और वो आपको सामान दे दिया, ये ट्रांजैक्शन आदान प्रदान कंप्लीट हुआ, तो इसको बोलेंगे इनवॉइस। तो आप जब ऑफिस में काम करेंगे, ट्रैवल करके वापस आएंगे, तो बिल उसी चीज का होगा जो कि आपने रिसीव किया है, लेकिन उधार है। हो सकता है आप ऐसी जगह गए हों काम करने जहां पे आपके ऑफिस के पुराने रिलेशंस हों, तो आप हर एक ट्रांजैक्शन में उसको पैसा नहीं पे करते हैं, आप बल्क में उसको पैसा करते हैं। सो यू पे दैट पर्टिकुलर शॉप एट एंड ऑफ द मंथ, देन यू विल ब्रिंग बिल विथ यू। बट हैड यू पेड फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, देन व्हाट यू विल बी सबमिटिंग टू द ऑफिस इज इनवॉइस, ठीक है। आपने अगर उसका पैसा दे दिया होता, पेड का मोहर लगा होता उस बिल पे, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता और उसको हम क्या बोलेंगे? इनवॉइस। चलिए, टैक्स, सर्विस टैक्स क्या होता है? सर्विस किसी भी तरह की सेवा जिसके लिए आपको एक चार्ज देना होता है। जैसे होटल में आप गए, आपको आपके टेबल पे हर चीज सर्व की गई, ठीक है, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ा, आपको जो चाहिए वो लाके मिला, तो ये एक सेवा आपने ली, उसका फायदा उठाया और उसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये अलग अलग इंस्टेंसेस में हो सकता है, होटल में, रेस्टोरेंट्स में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। टिप क्या होता है? एक एडिशनल अमाउंट होता है जो कि आप खाना खाने के बाद छोड़ के जाते हैं उसके लिए जिसने आपको मदद किया खाने के लिए, ठीक है, उसने सब कुछ लाके आपके टेबल पे रखा, सब कुछ आपके लिए कंफर्टेबल बनाया, उसके लिए आप अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट छोड़ते हैं तो ये टिप होता है। अब इस टिप का भी अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। देयर माइट बी प्लेसेस वेयर रेस्टोरेंट्स वुड नॉट सपोर्ट यू प्रोवाइडिंग टिप्स टू देयर एम्प्लॉयज, वो ये चीज सपोर्ट नहीं करते हैं कि आप उनके एम्प्लॉयज को टिप दें। और ये आप देख सकते हैं, इसकी जानकारी अलग अलग जगह पे लिखी होगी, नोटिस दी होगी कि डू नॉट प्रोवाइड टिप्स टू आवर वेटर्स और एम्प्लॉय, ठीक है। काइंडली उस चीज को फॉलो करें। एक और इंस्टेंस हो सकता है कि कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है, पर एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट दें।
ठीक है, हर चीज आपको लाके सर्व की जाए की गई है। सो प्रोवाइड अ रिस्पेक्टफुल अमाउंट फॉर दैट काइंड ऑफ सर्विस, क्योंकि देखा जाए तो भारत पे लागू नहीं होता है, पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे 10% टिप तो मैंडेटरी है। आपका जितना भी बिल हुआ है उसका 10% आपको टिप देना ही है, ठीक है। तो ये इंडिया में अभी तक नहीं है, लेकिन इंडिया में ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर आप दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट हो, ऐसा नहीं कि 1-2 रुपए वो बचा और वो 1-2 रुपए दे दिए, ठीक है। 1-2 रुपए बचा के ना आपको कुछ होना है ना उसको मिल जाने से कुछ होना है। दूसरा चीज, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होंगे, हाई एंड रेस्टोरेंट्स होंगे, वेयर द सर्विस प्रोवाइडर्स आर वेल पेड एंड दे कीप नोटिस दैट नो वन पेज टिप टू देयर एम्प्लॉयज, वहां पे आप टिप मत दे। अब कुछ यूजफुल फ्रेजेस हैं जो कि आप अलग जगह यूज कर सकते हैं, तो ये फ्रेजेस अगर आपको चाहिए तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी या आपके ईमेल्स पे ये चीज भेज जा सकती है। बिकॉज इट मेक्स नो सेंस फॉर मी टू रीड दोज फ्रेजेस, अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज फ्रेजेस एंड अप्लाई देम। ऐसा नहीं होगा कि ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है उसी तरह से अप्लाई हो, ठीक है। बिकॉज इंस्टेंसेज इन आवर लाइफ आर क्वाइट डायनामिक, ये सेकेंड, मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे जिस चीज को हम फेस कर रहे हैं ये बहुत अचानक अचानक बदलती है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर ऐसा इंस्टेंस होगा तो आप इसी तरह से बोलना, ये बस एक गाइडेंस है। आप इसको यूज कर सकते हैं, धीरे धीरे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच इंग्लिश मूवीज इन इंग्लिश यूजिंग इंग्लिश सब टाइटल्स। प्रोनंसिएशन आपको समझ में नहीं आएगा, पर आप वहां पे अगर देखेंगे सब टाइटल्स तो आप ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस के बारे में जान सकते हैं जो कि शायद आपके पास हो, और मूवीज से अच्छा सोर्स ये कुछ भी नहीं है सीखने के लिए। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है एक टू वे गिफ्ट, मतलब एक दूसरे को तारीफ करना, ठीक है। एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आपने किसी को बोला ओह थैंक यू सो मच, उसने बोला इट्स ऑल राइट, मोस्ट वेलकम। और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ले नहीं, जिसने बोला है उसको वापस दे भी। चलिए अब जो एक्टिविटीज हैं ये अगर आप क्लास में होते तो कराना मुश्किल नहीं था, लेकिन ई लर्निंग सेशन में ये एक्टिविटीज करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप खुद से ये प्रैक्टिस कीजिए और मूवीज जितना हो सके उतना देखिए, हिंदी मूवीज, इंग्लिश। एटिकेट्स एटिकेट्स है, बस आप कहीं पे उस कन्वर्सेशन में हिंदी का प्रयोग करेंगे, कहीं अंग्रेजी का, पर शब्द ही बदलते हैं, तहजीब ज्यादा बदलती नहीं, ठीक है। कंपेरेटिव्स, कंपेरेटिव्स क्या है? एक शब्द है जिसके थ्रू आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने समझाया था गुड बेटर बेस्ट के बीच में, तो बेटर क्या है? बेटर बता रहा है कि एक से भला, एक से भला। सो बेटर देन, इजियर देन, बिगर देन,
तो ये सब कंपेरेटिव्स होते हैं, ये भी आपको यूज में आएंगे। जैसे आप किसी हाई एंड रेस्टोरेंट में खाना है तो द सर्विस प्रोवाइडर में आस्क यू, सर व्हाट डू यू लाइक, तो आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज गुड बट दाल इज बेटर देन सब्जी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग इंस्टेंसेस पे आप यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स ये हमने डिस्कस किया, इंग्लिश में भी यहाँ पे भी सॉफ्ट स्किल में आपको इसका यूज है। क्वालिटी बताता है, ठीक है। चलिए, ये सारे एडजेक्टिव्स के फॉर्म्स हैं और उसको यूज कैसे करना है। अब एटिकेट्स फॉर इंटरव्यू, ये बिल्कुल वही चीज है, यहाँ पे आपका यूज दोनों है,